जजवार स्वागत है आप मन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज मा। और अभी के बड़े खबर निकल के आगू आए है जांजगीर जिला ले। जी हां, लकड़ी के अवैध कटाई चलत है। बड़े खबर आप मन ला बतात हन, जांजगीर जिला मा धड़ल्ले से लकड़ी के खेल के बिक्री चलत है। प्रतिबंधित पेड़ ला काटे जावत है, लकड़ी पेड़ ला काट के लकड़ी बेचे जावत है। संगे संग लकड़ी के अवैध भंडारण के भी बात सामने आवत है। और ये सब प्रशासनिक अधिकारी के सह में चलत है, ऐसे खबर आते जांजगीर जिला ले। लगातार प्रतिबंधित पेड़ मन के कटाई करे जाते, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कोनो प्रकार के कार्रवाई ना करना एक बड़े सवाल निकल के आगू आए। लगातार पेड़ के अवैध कटाई करे जाते, कोनो प्रकार के कार्रवाई नहीं होना एक बड़े सवाल पैदा करत है। आखिर कार्रवाई काबर नहीं करे, ये सबसे बड़े बात है। लगातार छत्तीसगढ़ में अवैध पेड़ काटे जाते, लेकिन कोनो प्रकार के कार्रवाई न करना एक सबसे बड़े सवाल है। चला कौन तरह के पेड़ काटे जावा थे, कहाँ पेड़ कटाई चला थे, ज्यादा जानकारी बर हमारे से राम नागरजी जी जुड़ा थे जांजगीर ले। जानबो का है पूरा मामला। नागरजी जी, पेड़ के अवैध कटाई जारी हवा है, कहाँ के मामला है, कौन तरह के जानकारी है? बिल्कुल, मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ, ये पूरा मामला जांजगीर जिला में लगातार अवैध तरीके से पेड़ ला काटे जावत है। अवेला अपन घर पर ही नहीं बल्कि बेचे पर भी उपयोग में लावे जाते हैं। अभी के ताजा मामला निकल करके सामने आए थे नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत मऊहाडी में, जहाँ नहर किनारे में बहुत ज्यादा मात्रा में सागौन के पेड़ है और कौहा के पेड़ है, ये सब पेड़ बल्ला चोर के उन्हें दम करके रखे गए हैं। जबकि शासन के नियम अनुसार जो कौहा के जो पेड़ होते हैं दवाई के रूप में उपयोग होते हैं, और दवाई के रूप में उपयोग होने वाला लकड़ी ला आखिर इतना अधिक मात्रा में घर में दम करके रखे है और ये कैसे धड़ल्ले से बेचे जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इसने एक बारे में जब हम यहाँ के जो राजस्व अधिकारी मेनका प्रधान ने जब एक बारे में हम 30 तारीख के सूचित करें कि मैडम यहाँ इतना बड़े मामला हावे निकल के सामने आया है, एक ऊपर आप मन कौन प्रकार की कार्रवाई करिया करके, लेकिन मेनका के द्वारा के जवाब हमला नहीं देगी। और कल फिर वहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में कौहा के पेड़ ले जाके परिवहन करे जाते थे, ओकर बारे में भी फिर हमारे द्वारा राजस्व अधिकारी मेनका प्रधान ला शिकायत करते कि मैडम फिर से परिवहन होते करके, लेकिन यहाँ के जो राजस्व अधिकारी मेनका प्रधान है ओकर द्वारा कोनो प्रकार के कोई कार्रवाई नहीं करे जाते। मैं ये भी बता देता हूँ सर कि इसने एक मामला कुछ दिन पहले अकल सब ग्राम पंचायत मऊहाडी में भी निकल के सामने आ रही, जहाँ प्राथमिक स्कूल के जो पेड़ हेरी से पीछू में ओला वहाँ के जनप्रतिनिधि मन सरपंच उप सरपंच पंच और वहाँ के जो और नागरिक मन रिसे पे मन पूरा पेड़ ला काट दिया गया। पेड़ काटे के बाद जब हमन वहाँ के अधिकारी से बात कर रहे अधिकारी मेनका प्रधान से, ओकर द्वारा स्पष्ट कहे गए रिसे कि कार्रवाई होगा करके, लेकिन आज 15 से 20 दिन हो गए कोनो प्रकार के कार्रवाई नहीं करे जावा थी। रामनगरजी जी, एक बार जानबो हमन के जो पेड़ कटाई करे जाते इतना दबंगई से आखिर काखर द्वारा करे जाते, काखर सह में करे जाते और कार्रवाई काहे नहीं हुआ थे, ये बड़े सवाल है राम जी। बिल्कुल, आप मतलब बता देते हैं, ये जो नवागढ़ ब्लॉक में ग्राम पंचायत मऊहाडी है, यहाँ एक बनवारी कश्यप करके एक हवा आदमी जेकर द्वारा बहुत बड़े मात्रा में अपन घर में कौहा के पेड़ ला काट के रखे गए है, लेकिन हमारे द्वारा भी लगातार यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी मनला राजस्व अधिकारी मनला सूचना दे के बाद में भी आखिर ओमन के ऊपर कोनो प्रकार के कार्रवाई काबा नहीं हो, ये कहीं ना कहीं जो विक्रेता है लकड़ी के ऊपर और अधिकारी मन के बीच साठगांठ के संदेह पैदा हुआ थी। जी राम जी, बात करबो लकड़ी कटाई के, कौन क्षेत्र में लकड़ी कटाई चला थे, लगभग कतेक एरिया ला उमन काट डाले है, और ये लकड़ी ले जाते इमन कहाँ ले जाके डंप करते, और इखर जो कटाई के टाइमिंग है समय है ये मन कतका कतका टाइम काटते, ये थोड़ा जानकारी दो। मैं आप मन ला बताना चाहता हूँ सर, ये मन के लकड़ी काटे के कोनो टाइमिंग नहीं रहा है, ये मन सवेरे निकल के अपन आदमी में ले करके और शाम तक वाला काट करके लकड़ी ला ट्रैक्टर में लोडिंग करके फिर से वाला ले करके आते और लाए के बाद में सवेरे मन ग्राहक के तलाश में रखे, कोई मिल जाए तो मन ला बेचबो करके और मोटा रकम मतलब बेचे। वहाँ के मन ला जब हम पता करें तो वो मन ये भी बताते कि वन विभाग हमन के साठगांठ है, तो कहीं ना कहीं ये तो पूरा मामला उजागर हुआ था सर कि जब इतना बड़े मामला है, हम राजस्व के अधिकारी मन ला बताते हैं, वन मंडल के अधिकारी मन ला बताते हैं,
तो आक्रमण के ऊपर कोई प्रकार की कोई कार्रवाई का नहीं होती, खबर की ये सेम टू सेम केस है वो कलतरा के मोहाडी में भी हो रही थे, वहाँ के जनप्रतिनिधि और मीडिया से दुर्व्यवहार भी कर रही थे मामला लेकर के, फिर भी हम राज अधिकारी मेनका प्रधान ला बता, लेकिन आज तक कोई प्रकार की कार्रवाई उमन के ऊपर नहीं करी गई थी। जी राम जी, लकड़ी के बात करबो, पेड़ के कौन तरह के पेड़ है, इमन कतिक कीमती पेड़ हवा है, एकर बारे में थोड़ा बताओ। छत्तीसगढ़ में तो सबसे ज्यादा सागौन ला हमन यहाँ कीमती लकड़ी माने जाते हैं, काबर की वो हर लकड़ी और जो कौवा के लकड़ी दोनों बहुत कीमती लकड़ी, जिला काटने के लिए पहली तो राजस्व अधिकारी मन से या कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ती है, लेकिन जैसे मैं आप मतलब बताएं कि अगलतरा के मोहाडी में भी बिना किसी को कोई के केवल पेड़ लकाड़ दिए गए हैं, वहाँ के स्कूल के जो मैडम है बोला ये बोले गए हैं वहाँ के जनप्रतिनिधि सरपंच के द्वारा कि मैडम आप हमारे नीचे में काम करा था, हमारे स्कूल में काम करा था, हम जैसे बोलबो वैसे आप लग करना पड़ी करके, वहाँ के मैडम भी आवाज नहीं उठा सके, ताबत की लगातार वहाँ वाला पढ़ाई लिखाई करे बार पढ़ाए बार लड़का मन ला जाना है, लेकिन वो भी चुप रहेगी से, और अभी का जो मामला है नवागढ़ ब्लॉक की ये जो मोहाडी के वहाँ के बारे में भी हम लगातार शिकायत कर रहे थे, प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रहा है, और ये मेर जो है लगातार सागौन के पेड़ और कौवा के पेड़ ज्यादातर देखे पर मिला थे, जे में लगातार होती है। जी रामनगरजी जी बिल्कुल कार्रवाई के जरूरत हवा है, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संपदा के बात है, बिल्कुल कार्रवाई तो करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़े सवाल है कि कार्रवाई काबर नहीं होते। ये तमाम जानकारी पर आप मन के धन्यवाद राम जी। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ में लगातार लकड़ी के अवैध कटाई जारी हवा है, देखे वाला बात होगी कि अब खबर चले के बाद कौन तरह के कार्रवाई करे जाते या फिर ऐसा नहीं छत्तीसगढ़ ला पूरा काट काट के खाली कर दिए जाही, ये तो समय ही बताही। बेरा ब्रेक लेके देखा तरह न्यूज 33।